गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज की सुबह भी बहुत सुहानी है। आज हम चल रहे हैं शराव आइलैंड, चराव या शराव, और वहाँ पे एक बर्ड सेंचुरी है, काफ़ी फेमस है। और चारों तरफ से वो आइलैंड इतना ज़बरदस्त है, वहाँ पे जाने के लिए हमें भी फेरी लेनी पड़ेगी और वो फेरी पे हम अपनी स्कूटी समेत चढ़ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं आपको रास्ते में और नज़ारे आज के दिन के दिखाते हुए। सेकंड हाफ में अगर हमें टाइम मिला तो यहाँ पे एक वाटरफॉल भी है, हरवेलियम वाटरफॉल, अगर हम कर पाए तो उसको भी कवर करते हैं। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं वहाँ से सीधे फेरी के पास। बेसिकली यहाँ से फेरी मिलती है और ये फेरी यहाँ से हमको सीधा शराव आइलैंड लेके जाएगी। शराव आइलैंड पे बर्ड सेंचुरी है, वो भी देखेंगे हम, पर यहाँ से नज़ारा बड़ा ज़बरदस्त है यार। ये देखिए हमारी फेरी आ गई है, हम चलते हैं फेरी। क्या बात है, ओहो हो 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 गाड़ी भी आ जाती भाई। मतलब बहुत ही सीरेनिटी है यहाँ पर। ये आइलैंड है यहाँ पे। अच्छा, चराव आइलैंड। चराव आइलैंड बर्ड सेंचुरी वगैरह है। बर्ड सेंचुरी है, मायम लेक है। अच्छा, और पंजी जंपिंग होता है ना। अच्छा अच्छा, वो इस तरफ है पंजी जंपिंग का। यहाँ पे पंजी जंपिंग इस समय करा रहे हैं। हाँ, इस साइड में आके जैसे 6 किलोमीटर पे। अच्छा, हरवेलियम यहाँ पे एक वो भी है। यहाँ से आपको 12 किलोमीटर जाना पड़ेगा। जा सकते हैं ना वहाँ पर, खुला होगा इस समय। खुला वाटरफॉल है। बहुत बढ़िया जगह यार ये तो, सरकारी गवर्नमेंट के हिसाब से बहुत अच्छा लगा। फ्री सर्विस है, रात को 2 बजे तक रहता है। ओ, लोगों के लिए कि भाई आते हैं जाते हैं लोग। और ऊपर से आपको इसके लिए अगर रात में अगर स्पेशल अगर जाना है तो 100 रुपये लेते हैं, अगर इमरजेंसी पेशेंट रहेगा तो। ओह, मतलब 24/7 भी आपको जा सकते हैं, ये एक अच्छी बात है। बहुत बहुत थैंक्स टू गोवा गवर्नमेंट कि इतनी अच्छी सर्विसेज गोवा के लोगों के लिए, टूरिस्ट के लिए भी है। ये मांडवी रिवर है, मांडवी रिवर बहुत बढ़िया आइलैंड है। यहाँ पे बर्ड्स, सलीम अली बर्ड सेंचुरी है। सलीम अली बर्ड सेंचुरी, हाँ पढ़ा था उसके बारे में। हाँ। पढ़ा था, मतलब बर्ड्स कैसा होते हैं सीजन वाइज आते हैं यहाँ। अच्छा, सुबह मॉर्निंग टाइम पे आना पड़ेगा यहाँ पर। यहाँ और फोर्ट वोट है कोई देखने का, अंदर कोई फोर्ट है देखने का? फोर्ट नहीं,
कोई चर्च सा एक बड़ा सा चर्च है, सेंट बार्थोलोमियो चर्च। तो ये देखो दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन, खूबसूरत, नीट एंड क्लीन चराव आइलैंड, और हम बिल्कुल जस्ट सामने खड़े हैं सलीम अली बर्ड सेंचुरी के। तो यहाँ पे एंट्री फीस हमें 20 रुपये ईच देनी पड़ी है, ये लिखी हुई है वैसे तो यहाँ पर देखो अब क्या करते हैं, आओ वॉक करके चलते हैं, देखते हैं अंदर क्या सब। ये क्यों लगाया भाई? अरे जिस टाइम एंट्री होती होगी, इससे कहाँ एंट्री होगी, क्या गजब जगह है। ये बैक वाटर्स हैं, फिलहाल वापस नीचे जा चुका है पानी, देखो कितने केकड़े हमें देख के छुप रहे नीचे, वो छोटे लकड़ी पे देखो भाई, बगल मछली दिखेंगे, क्रोकोडाइल भी है भाई यहाँ पर, अभी सांप होंगे, क्रोकोडाइल होंगे, मछलियाँ हैं, और ये जगह बहुत बेहतरीन बनी हुई है। राइट साइड में पूरी मांडवी रिवर और ये लेफ्ट साइड में सारा बैक वाटर्स, क्या कमाल जगह है यार, यहाँ पर आदमी को ज़रूर आना चाहिए। फेरी राइड तो मतलब अपने आप में सूदिंग है, ऊपर से गवर्नमेंट की सर्विस इतनी अच्छी है, ऐसा नहीं कि वो जो सरकारी लोग चला रहे हैं फेरी को वो किच किच कर रहे हैं, वो अच्छे दिल से आपको तरीके से रोक रहे हैं, समय लेके रोक रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, आराम से बता रहे हैं कैसे खड़े होना है, कहाँ जाना है, बहुत बेहतरीन जगह है यार, विदाउट एनी कॉस्ट, बिना किसी कॉस्ट के। तो ये गवर्नमेंट का मतलब बहुत बढ़िया काम कर रही है। बर्ड्स आती हैं यहाँ पर मॉर्निंग में, पर हम लोग आए लेट थोड़ा, तो रियलिटी में तो शायद नहीं दिखा पाएंगे, पोस्टर्स में ही दिखा दें हम कि क्या क्या दिखता है। ये देखिए दोस्तों, ये पूरा मैप है, शराव आइसलैंड का मैप है, और ये इस तरह की बर्ड्स हैं आपको यहाँ, अगर हम सुबह सुबह आए होते तो यहाँ पर देखने को मिलती। बेसिकली एक छोटा मिनी म्यूजियम टाइप है, सांप भी मिलते हैं, इस तरह के पक्षी भी मिलते हैं। अरे वाह, दिस इज नाइस, ऑस्ट्रिच मछली पकड़ के ले जाते हुए, ओ क्रोकोडाइल भी है यहाँ पर, क्या बात है यार, ऑसम, क्या चीजें हैं यार, क्रिएचर ऑफ द नाइट। तो ये बोट में जाने का रहे, कुछ लेते हैं चार्ज, कितने का? 200 रुपये का, वो 12 सीट का है, 900 रुपये का, अब वर्थ कमिंग, बहुत बेहतरीन जगह यार, वाह ये है भाई साहब जगह, ओहो हाँ जी सही जगह यार, बर्ड सेंचुरी नाम रख दिया है। आते भी होंगे यार सीजन के हिसाब से, और मॉर्निंग में आते होंगे यहाँ पे। ये भी एक अच्छी जगह रही भाई, वापस और कहीं से निकल जाएगा, यहीं से आना पड़ेगा। वो देखो एक बर्ड तो देखिए, वो सभी जगह दिख रही है, कॉमन है यहाँ पे लगता है, और केकड़े। डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी, ये फेरी आई है, जा रही है। यार क्या जगह है ये, है ना, फुल ऑन ग्रीनरी, साफ सुथरे रोड, लोग बाग अपने टिप टॉप काम कर रहे हैं, काम से काम है। ओहो ये एक पुरानी ओल्ड चर्च को रास्ता जाता है, पर देखो क्या जगह है यार, राई क्रिस्ट बोलते हैं, वैसे तो किंग क्रिस्ट जगह का नाम है, और ये प्लेस काफ़ी सिक्लूडेड हिल टॉप पे बना हुआ है, इन द ऑनर ऑफ मैथ्यूज एवेंजेलिस्ट, इनॉग्रेटेड ऑन 1st 1937, तो भी 80 साल हो गए हैं, पर क्या आलीशान जगह है, देखिए दोस्तों क्या सही जगह है, और मौसम है देखते हैं, और क्या ये सिर्फ पीछे कुछ लोगों के नाम में देखते हैं,
मजा आ गया भाई। ये जगह तो वाकई में मतलब ऐसी है कि काफी हिल टॉप पे, बहुत हाइट पे भी आके है, बहुत बेहतरीन जगह है। देखिए आप क्या और ऐसी जगहों पे इस तरह का आर्किटेक्चर बना के लोग सो रहे थे। ओके टाटा बाय 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 बाय, तुम पे भी छोड़ दिया, मैं जा रहा हूँ। फेरी के लिए तो सीधा जाता है, बाकी सारे रास्ते जा रहे हैं। शांत आली शांत जिंदगी है यार लोगों के यहाँ पे। क्या बात है यार, ये रास्ते मतलब कमाल। तो दोस्तों हम जा रहे हैं अभी हावेले वाटरफॉल, जो कि चराव आइलैंड के थोड़ा सा बाहर निकलने के बाद है। और ये जो क्राइस्ट क्रॉस था जो अभी यहाँ से कुछ 20 किलोमीटर के आसपास है, 20-21 किलोमीटर, आधा घंटा लगेगा हमें वहाँ पहुँचने में। और हम पहुँचते हैं वहाँ पे, ठीक है, आपको मिलते हैं सीधे वाटरफॉल पे और आप देखिए बाहर के नज़ारे।